और उसके बेटे की उम्र जब मात्र 2 साल की हुई तो उसका घरवाला गुजर गया। अब वो औरत बेचारी अकेली रह गई, बेसहारा थी, कोई सहारा नहीं था उसका। उसने बेचारी ने दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, जवान किया, उसका 1-2 किला बांटा था वो भी बेच दिया, अपने बेटे को इस लायक कर दिया कि उसका बेटा अमेरिका में जाके रहने लगा, अमेरिका में जाके पढ़ने लग गया। कई साल हो गए अमेरिका में रहते ने, लड़के ने वहीं पर शादी कर ली और 4-5 साल शादी न हुए, एक लड़का भी हो गया, 3-4 साल का बेटा हो गया उसका। एक दिन गांव में माँ के पास में फोन करा, नुबलारी माँ देख तुम्हारा गांव में परेशान हो रही, बुढ़ापा, तेरे आँखा कमजोरी दिखदा तक नहीं, इतने मात्र पर चाल जाता नहीं, गोडे तेरे कंडम हो लिए। हे माँ तू आड़े के करे, तू अमरीका माँ जाने 2 रोटी खानी, अपने पुतक लखे ले जाइए, इसने खिलाए जाइए और 2 रोटी खानी, तो अपना टीम काट लिए। नुबली बेटा बात तेरी सियाणी है पर मैं अमरीका को कराऊ, मुन्ने की बिरा कड़े से अमरीका, तो मन लेन आ जा। माँ के भक्तो, लड़का अपनी माँ को लेने के लिए गांव में आ जाता है, रात ने बैठ के बतला ला गया, नुबलारी माँ देखो अपना कितना बड़ा घर सही, इस घर ने कौन बरतेगा, इसने बेच दिया अमरीका में, इतनी बढ़िया कोठी रही। नुबली बेटा कल भी हो घर तेरा, आज भी तेरा, मन ने की करना से बेचा, बेटा बेच दे। गांव में एक धनी आदमी आ गया, नगद रुपया में सौदा कर लिया और वो घर बेच दिया और रुपये लेके मकान कर अपनी माँ को लेकर के सुबह पहुंच जाता कहां पर, एयरपोर्ट पर। आप जो सी अनपढ़ माताएं बैठी उनको बताना चाहता हूँ, एयरपोर्ट वगैरह जा जहाँ का अड्डा जड़े जा जाके रुके अगर, वहां अपनी माँ को बिठा दिया। नुबलारी माँ तू तो बैठ जा बाहर अड़ा बरंडा में, अरे मैं भीतर जाए और टिकट लिया हूं। वह बुढ़ी औरत थी बिचारी अनपढ़ थी, उसने के बेरा भाई पहले वीजा लगवाना पड़े या पहले टिकट बुक हो, उन्हें सोचा रेल की तरह या बस की तरह टिकट मिलती होगी। नुबली बेटा ठीक है तू भीतर जा, टिकट लिया मैं बाहर बैठी हूँ। मेरे भाइयों बहनों एक एक बात सुनना, जो माता का लड़का था वो अंदर चला तो गया, 1 घंटा बीता, 2 घंटे, बुढ़िया थोड़ी सी कमरे में जाकर उल्टिया बैठे, सारा दिन बीत गया, दिन छुपी छुपी ला गया, जितने यात्री थे सारे जा लिए और बुढ़िया बेचारी ओड़े बैठी बाट में। ई बोड़े जो सिक्योरिटी गार्ड थे पुलिस वाले थे, उन्होंने बोले माता जी के रोड़ा है, तो सवेरे की आड़े बैठी से थोड़ी सी इस कमरे में जाकर उल्टिया बैठे, की बात सुनो। बोले रे बेटा बात की, मेरा छोरा है अमेरिका में रहा, अगर मैंने लेन आया था बेटा भीतर, टिकट लेने गया था, उल्टा ना आया, टिकट लेने गया था। हाँ, क्या नाम है तेरे लड़के का, उनके पास सारा ब्योरा होता, उनने देखा कि जिस बेटे की बाट देखे ने माता जी, उसकी फ्लाइट थी 11 बजे की, तो 11 बजे जा लिया। इतना सुनते बुढ़िया के पाए तले की जमीन खींची की घसी आ गई, पड़ गई पानी की छिपके, मुंह मारे पानी पिलाया, जब होश आया तो हुक मार के रोने लगे। नुबली रे बेटा तने जाना तो चला जाता मेरे लाडले, मेरी गेला धोखा क्यों करा रे, मन ने तेरा के बिगाड़ा था, तू अपने बढ़िया दिन अपने अमेरिका में काट रहा था और जिसी मेरी बांगी बोली जिंदगी थी, भूखी सुखी रह के अपने दिन अपने गांव में तोड़ रही थी, तने मैं सुहाई नहीं। अरे बेटा मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे भाइयों बहनों माँ की ममता क्या होती है, बुढ़िया माता बिलखने लगी और किस तरह से अपने लाडले बेटे को क्या कहने लगी, एक एक बोल ध्यान से सुनना। लिखने वाले ने बड़ी अनमोल रचना लिखी, क्या लिखा, नुबली मन छोड़ के मन छोड़ के डिगर गया लाडले, मेरी गल्ला धोखा कर गया लाडले, छोड़ के डिगर गया लाडले, मेरी गल्ला धोखा कर गया लाडले, ओ मेरी गल्ला धोखा कर गया लाडले। जानी कदर मेरी रे, ना जानी कदर मेरी रे, तने इतनी बुरी करी रे, तने इतनी बुरी करी, चला
भाई क्यों बन गया अन्यायी, तेरे के मन में आई क्यों बन गया अन्यायी, तेरा क्यों मेरे पेटा भर गया लाड ले मेरी गल्ला तो हाथ भर गया लाड ले, ओ मेरी गल्ला तो हाथ भर गया लाड ले, माही मंदिर माही पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा, माही मंदिर माही पूजा माँ से बढ़ के कोई न दूजा, माही मंदिर। अरे बेटा सिर्फ एक बात का दुख आवे है, मैंने तेरा खोट के करया था, मैंने तो तेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। अरे मेरे लाडले एक छत थी सर छुपाने के लिए, एक घर था तना वो घर भी नहीं छोड़ा, उसने भी बेच खा गया रे। अरे मैं जाऊं तो जाऊं कहां जाऊं, मेरा कौन है इस दुनिया में, मेरा इतना सुतरा खेल बनना था तने एक मिनट में खो दिया मेरे लाडले, मैं कहां जाऊं। मेरे भाइयों बहनों नंबर दो पे जननी माँ बिलखने लगी, क्या कहने लगी, तेरा कौन सा खोट करया, ओ तेरा कौन सा खोट करया, ओ रोवे हिया मेरा, ओ न्यू रोवे हिया मेरा, ओ मुझ दुखिया का लिया खोस आसरा, नैना ते नीर पड़े इब जाऊं बता कड़े, नैना ते नीर पड़े इब जाऊं बता कड़े, मेरा सारा खेल बिखर गया लाडले, मेरी गल्ला तो हाथ भर गया लाडले, ओ मेरी गल्ला तो हाथ भर गया लाडले। मेरे भाइयों बहनों बचपन के दिन याद करने लगी नुमरे, रे बेटा जब चार अंगल का धन कति छोटा सा मेरे बिस्तर को गीला कर देता था, जिस साइड तक गीला होया करता उस साइड में सो जाया कर, इतने सूखे में सोया कर, जब दूसरी साइड भी गीली कर दिया करता मेरे लाडले, पूरी रात उस गीले में मैं सोया करती, तन अपनी छाती पर सवाया करती रे, सारी बात तन भूल गया रे बेटा। किसी शख्स ने बहुत गजब की बात कही है मेरे भाइयों बहनों जरा सुनना, कि माँ तो तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था, जब बेटा रूस जाने माँ ने कहेगी खा ले बेटा लाडले रोटी खा ले, और जब बेटा को ना ले जा तेरे पलोथने मैं नहीं खाता, माँ रोन लग जाएगी बस नहीं पार नहीं बसांदी बेचारे की, मेरा बेटा रोटी नहीं खाता। इसलिए लिखी है बात कि माँ तो तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था, और माँ तो आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता। और बड़ी विडंबना है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और उसकी बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती, बर्तन मांझ कर भी तीन चार बेटों को पाल लेती है एक माँ, मगर अफसोस तीन चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। कि जब छोटा था तो माँ की शैया गीली रखता था, शैया का मतलब उसे बिस्तर, कि जब छोटा था तो माँ की शैया गीली रखता था, और आज जब तू बड़ा हो गया तो माँ की आंखें गीली रखता है, ऐसा तुझे माँ को गीले में रखने की आदत सी हो गई, यार बुढ़िया माता रोन लगी बिलकन लगी, बोली रे बेटा सबे की मैं भूल गया रे, कुछ भी याद नहीं आया तेरा, दो है कुछ भी नहीं याद आया। नंबर तीन पे बुढ़िया माता बिखर गई बिचारी, क्या करने लगी, जिस माँ ने जन्म दिया रे, जिस माँ ने जन्म दिया रे, तन्ने
जिसका दूध पिया रे, तन जिसका दूध पिया रे, भूलिया एहसान बदला कौन सा लिया, ममता की छा करके मने पाया छा करके, ममता की छा करके मन पाया छा करके, तू सब कुछ भूल बिसर गया लाडले मेरी गल्ला, तू खा कर गया लाडले ओ मेरी गल्ला, तू खा कर गया लाडले, कितनी अच्छी है कितनी भोली है प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, फुलवारी है ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। मेरे भाइयों बहनों यही सार है बस, इससे आगे कुछ नहीं है। यह असली बात, जो आदमी अपने माँ बाप के साथ दगा करता है उसको इस भगवान के दरबार में बैठने का भी हक नहीं है। मेरी बात कड़वी जरूर लेकिन साची से, जो इनके साथ गद्दारी करता है माँ बाप के साथ नूर हजरे, वो बालाजी महाराज का की होगा और वो शेरा वाली माता का की होगा, जो अपनी जननी माँ का कौन है जिसने जाम्यास है तुझे की आत्मा नहीं शीढ़ी कर पाया, तो इनकी की आत्मा शीढ़ी करेगा। लोगो ढोंग पाखंड में कुछ नहीं रखा है। मेरे गुरु जी यही आदेश देते बेटा, कभी भी जननी माता के साथ गद्दारी मत करना। एक बार किसी शख्स ने भगवान से सवाल किया, भगवान आपने माँ बाप क्यों बनाए, आप चाहते तो इंसान ने सीधा भी धरती पर भेज सको थे, आप में इतनी ताकत है, इसे करिश्मे आपने की धरती अपनी जगह, आसमान अपनी जगह है, बीच में कोई सपोर्ट नहीं, फिर भी लाखों करोड़ों वर्षों से धरती अपनी जगह पर है, आसमान अपनी जगह पर है, कदे भिड़े नहीं, ये भगवान का चमत्कार है। जब आप ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकते हो तो माँ बाप क्यों बनाए आपने, इंसान सीधा धरती पर क्यों नहीं भेजा। भगवान ने उत्तर दिया कि बेटा मैं अकेला, ये दुनियादारी इतनी बड़ी, मैं किस किस के पास जाता, इसलिए मैंने अपना दूसरा रूप तैयार कराया, नाम धर दिया माँ बाप, जो इनकी सेवा कर लेने सोच ले मेरी सेवा होगी लोगों। लेकिन आज लोग इन चीजा ने समझ नहीं रहे, सिर्फ पत्थर की पूजा ने सबकी में मानने से, असली पूजा तो छोड़ दी मेरे भाइयों बहनों। बुढ़िया माता भी न्यू समझाने लग गई आखिरी में, क्या हरी रे जिन माँ की टैल करी रे, जननी माँ रूप हरी रे जिन माँ की टैल करी रे, गुरु ओम कब है उनकी जीत ओ खरी रे, गुरु ओम कह है उनकी जीत ओ खरी रे, कहरम धन कद सरिया जिन माते दगा करया, कहरम धन कग सरिया जिन माते दगा करया, वो सेम नरक में गिर गया लाडले मुरगल्ला, चोखा कर गया लाडले ओ मुरगल्ला, चोखा कर गया लाडले, मन छोड़ के डिगर गया लाडले मेरी गल्ला, धोखा कर गया लाडले ओ मेरी गल्ला, धोखा कर गया लाडले। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा सुनना। उसके बाद जो पुलिस वाले थे सिक्योरिटी गार्ड थे उनसे वो कहने लगे कि माता जी
तेरा लड़का तो चला गया अमेरिका, अब तू क्या करेगी? नो बोले रे बेटा मैं तो कड़ा जाऊं, मेरा कोई ठिकाना तो नहीं है। अरे जिस अफसर ने मारा घर खरीदा से, देखे घने रे पियाल आदमी से, देखे बड़ा दयालु आदमी से, अरे उसने बुला दो उसके घर झाड़ू पोछा कर दिया करूंगी, उसके बड़कन खिला दिया करूंगी, मैंने तो दो रोटी चाहिए से बेटा दिन काटने से। मेरे भाइयों बहनों उस अफसर को जब बुलाया गया, उस अफसर का गा जोड़ के वह माता ने कहने लगी रे बेटा मेरे बेटे ने तो मेरे साथ जो कर दी, अरे मन अपनी गेल्या ली चाल, देखे तेरा झाड़ू पोछा कर दिया करूंगी, तेरे बड़का ने खिला दिया करूंगी, दो रोटी दे दिया करिए, मन अपने दिन काटने से। इतना सुनते जो अफसर था आंखिया में पानी आएगा, ने बोला अरे माँ तो मेरी माँ से धर्म की, क्योंकि मैं छोटा सा था जब मेरी मामा ने छोड़कर चली गई थी, सारी पांचों आंगली एक सी नहीं होती, तेरा बेटा जैसा तो हमें इसे नहीं जा, उसने जो कर दी। अरे देखे मन अपनी छाती के लाले में माँ के प्रेम का भूखा हूँ, तू मेरी धर्म की माँ और मैंने धर्म का बेटा बना ले। अरे देखे मैं बड़ा तिसाया हूँ माँ की ममता कर, मेरी घराली भी बड़ी अच्छी है तेरी, दोनों मिलकर सेवा करेंगे। मेरे भाइयों बहनों वो अफसर उस बुढ़िया माता का खुद हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया और के कहने लग गया, जरा ध्यान तो सुनियो बड़ा गजब का भजन है। वो अफसर उस बुढ़िया माता को क्या कहने लगा, मेरी बन जा धर्म की मां, मन बेटा बना ले। एक एक बोल सुनना, मेरी बन जा धर्म की माँ, मन बेटा बना ले ने। मेरी बन जा धर्म की माँ, मन बेटा बना ले ने। तेरी खूब करो सेवा, दिल ते अपना ले ने। मेरी बन जा धर्म की माँ, मन बेटा बना ले ने। बेटे ने जो कर दी तो कर दिए मट्टी, तेरे बेटे ने जो कर दी तो कर दिए मट्टी। छाती जासे पाटी ना जागी उमर काटी, मेरा कहने पुगा ले मेरी बन जा धर्म की माँ, मन बेटा बना ले ने। ए माँ जब आना सा था मेरी माँ मैंने छोड़ के मरी धीरे, मैं देखे ममता का बड़ा भूखा हूं, एक बार अपनी छाती से लगा के कह देगी तू आज से मेरा बेटा है माँ, मैं बड़ा प्यासा हूं तेरी ममता का। नंबर दो पे वो अफसर क्या कहने लगा, मेरी आने की माँ मर गई ना किस्मत में
दम था मेरी आने की माँ मर गई ना किस्मत में दम था इब को ना हिया थमता छाती के लगाने मेरी बन जा घर में की माँ बेटा बना ले चरण पियो गंगा में नहा लूंगा तेरे दो चरण पियो गंगा में नहा लूंगा मेरी मिट जा तड़प मन की तो पुण्य कमालूंगा तेरा शुक्र मना लूंगा मेरी ओर लखा ले मेरी बन जा धर्म की माँ बेटा बना ले ने। एक तो वो बेटा जो अपनी मां ने छोड़ के भाग गया धोखा कर गया मां की गेलिया और एक यो बेटा जो दूसरे की मां ने अपनी मां बनाने लग रहा ऐसे ऐसे दुष्ट बेटे भी धरती के ऊपर है जुन से मां बापू को लात मार दें घर तक काट दें अपने आला ने गुण राख के राजी एक ये बेटा देखो किसी पराए की मां को अपनी धर्म की मां बनाने लग रहा जी ऐसे ऐसे बेटे भी मेरे हिंदुस्तान में आज जिंदा है इसलिए शायद धरती और आसमान अपनी जगह पर है जितनी या सिस्टम या चीज खत्म होगी मर्यादा खत्म होगी उस दिन नाश हो लेगा भाई धरती आसमान बिठ जाएंगे कुछ नहीं रहेगा धरती पे और मेरे गुरुजी भी मुझे यही आदेश देते हैं बेटा माँ बाप का कभी तिरस्कार मत करना तमाम भाई बहनों से भी प्रार्थना करता हूं कभी भी तिरस्कार मत करना माता पिता का क्योंकि माँ बाप की सेवा करने से आपका जन्म सुधर जाएगा पुण्य घने होंगे पाप थोड़े होंगे जबे जाकर के आपका साझा स्वर्ग में होगा अन्यथा नहीं हो सकता लिखने वाले ने बड़े उत्तम बोल लिखे आखिरी में क्या लिखा भला गुरु ओम प्रकाश कहे तू जन्म सुधार लिए गुरुओं में प्रकाश कहे तू जन्म सुधार लिए राम धन करके सेवा तू बेड़ा तार लिए सिद्ध गुरुवर धार लिए इसका दूसर आड़े मेरी बन जा धर्म की माँ ता बना ले ओ, 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 ओ,
तेरी बन जा धर्म की माँ, ओ बेटा बना ले मैं।